कन्नौज पुलिस के लिए शुक्रवार का दिन सफलताओं का दिन रहा। शुक्रवार को दो मोटरसाइकिल गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इनके पास से पुलिस ने 10 मोटरसाइकिलें भी बरामद की है, जिन्हें गिरोह के सदस्य बेचने की तैयारी कर रहे थे। एसपी साहब ने दो गिरोह एक साथ पकड़े जाने वाली पुलिस टीम को 5,000 रुपए का इनाम भी दिया है। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में गैंग पकड़ा गया है। स्वाट प्रभारी पप्पू सिंह ठेनुआ एवं प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार व्यास के नेतृत्व में वहां से 6 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और एक अभियुक्त पकड़ा गया है और एक अभियुक्त भागने में सफल रहा है। कन्नौज पुलिस की गिरफ्त में आया यह वाहन चोर गिरोह इटावा और फतेहगढ़ का है। एक गिरोह की कमान फतेहगढ़ के लाल सिंह भुर्जी के हाथ में है तो दूसरे का सरगना इटावा का बंटू यादव है। दोनों कन्नौज के शातिरों के साथ मिलकर आसपास के जिलों से मोटरसाइकिलें चुरा कर बेचते हैं। कुछ दिन पहले कन्नौज के छिबरामऊ विधायक पर राज्य सरकार में राज्य मंत्री के एक रिश्तेदार की बाइक उनके घर से चोरी हो गई थी। मामला मंत्री का था, इसलिए एसपी ने जिले भर की पुलिस को बाइक चोरों की खोज में लगा दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि दो गिरोह पुलिस के गिरफ्त में आ गए। काश पुलिस आम लोगों के लिए भी इतनी ही सरगर्मी से काम करती। कन्नौज से अमित राजपूत की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।